दोस्तों ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये लसुआ जिसको गुंदा बोलते हैं उसका पेड़ है। कुछ लोग इसको लसुड़ा के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी गुणकारी चीज़ है ये आयुर्वेदिक के अंदर भी काम में आती है, इसके अलावा सब्जी बनाने के काम आती है। ये देखिए ये गुंदा जो है अभी पक चुके हैं, इनको पके हुए गुंदे को आप सीधा खा सकते हैं, बहुत ही मीठा होता है और बहुत ही अच्छा होता है। पत्ते भी इसके काम आते हैं, छाल भी काम आती है। ये जो है ये हरे गुंदे हैं, इसका अचार डाला जाता है, अधिकांश लोग इसका अचार खाते हैं। इसके अलावा जो बहुत कुछ जो इसका यूज होता है वह सब्जियों के अंदर होता है, जिसके अंदर आप हरे गुंदे की सब्जी बना सकते हैं। इसके अलावा इसको उबाल कर आप साल भर सुखा कर रख सकते हैं। इसके सूखे गुंदे से आप वापस इसको उबाल कर इसकी सब्जी 12 महीने बना सकते हैं। पचकुटे के अंदर इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। डायरेक्ट आप सूखा गुंदा और मेथी की सब्जी भी बना सकते हैं। ये आपको इजीली अपने मार्केट के अंदर पंसारी की दुकान पर मिल जाता है, जहाँ पर पचकुटा मिलता है वहीं पर आपको सूखा गुंदा या सूखा लसोड़ा आपको मिल जाएगा। यदि आपको घर बैठे मंगाना है तो भी आप जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा गुंदों का पूरा बगीचा है तो हम आपको जो है माल यहाँ से सप्लाई कर देंगे, पार्सल के द्वारा ये आपको घर बैठे मिल जाएगा। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।